नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एमएस वर्ड में अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज कैसे बना सकते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग अ सिंपल स्टेप्स। जी हां दोस्तों, जस्ट कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज को आप और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड प्लस मोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम रेगुलरली लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप एमएस वर्ड में ये वाला फ्रंट पेज कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजिली। तो सबसे पहले हम न्यू अपना ओपन कर लेते हैं अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट। तो हम प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल एन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा न्यू वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपने यहाँ पे सेट कर लेना है अपना पेज साइज। तो पेज साइज सेट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है पेज लेआउट के ऑप्शन में। जैसे आप पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको पेज साइज का, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने पेज साइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो है आपका A4। तो यहाँ पे आपने A4 सिलेक्ट कर लेना है। जब आपका यहाँ पे पेज साइज सिलेक्ट हो जाएगा, अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर भी आपने अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में लगा लेना है। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपने यहाँ पे अगेन यहाँ पे पेज लेआउट के टैब में जाना है। पेज लेआउट के टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पेज बॉर्डर का, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पेज बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो बॉक्स वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर रहा हूँ। टिक करने के बाद यहाँ से अपना पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ये वाला पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया और प्रेस कर लिया यहाँ पे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज बॉर्डर भी आपके सामने आ गया। अब आती है कि आपने जो अपना स्कूल का नाम लिखना है या कॉलेज का नाम लिखना है, वो आपने अपना टॉप पे लिखना है, जैसे कि हमने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखा था। तो उसके लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड आर्ट का। तो वर्ड आर्ट यूज़ करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब में, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको वर्ड आर्ट का। तो आपने सिंपली यहाँ पे वर्ड आर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमने जो वर्ड आर्ट लिखना है वो कर्व्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कर्व्ड वर्ड आर्ट का, ठीक है, मतलब वर्ड आर्ट स्टाइल 3 का। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मांग रहे हैं आपसे टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट लिखना है, मतलब अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लिया GL कंप्यूटर सेंटर और प्रेस कर लिया यहाँ पे ओके। लेकिन ओके प्रेस करने से पहले आप इसका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे एरियल ब्लैक है, लेकिन अगर आपने कोई और फॉन्ट स्टाइल यहाँ से रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फिलहाल मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक ही इसको यहाँ पे रहन देता हूँ और यहाँ से फॉन्ट साइज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और प्रेस कर लेना है ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे वाला टेक्स्ट आपका यहाँ पे कर्व्ड फॉर्म में आ गया। तो जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, तो आप देखेंगे एक बॉक्स आपको नज़र आ जाएगा डॉटेड लाइन के साथ। इस बॉक्स के देखिए यहाँ पे बिल्कुल साइड में स्क्वायर्स होते हैं। इन स्क्वायर पे जाके आप क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो आप इस टेक्स्ट को और कर्व्ड लुक दे सकते हैं। इसके बाद आपने एक सेटिंग और कर लेनी है, ताकि जो आपका टेक्स्ट है ये इधर उधर में मूव होने लग जाए और जो आपका पेज है उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। तो उसके लिए आपने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट टैब में, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप वर्ड आर्ट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब आपके सामने यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे फॉर्मेट टैब में जाने के बाद जो टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसको कर देना है यहाँ पे, लेट से हम यहाँ पे कर देते हैं अभी के लिए यहाँ पे टाइट, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट है वो आपके पेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट हो गया है। वैसे अगर आप इसको और कर्व देना चाहते तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट और कर्व फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। अब नेक्स्ट है आपने यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना है। तो लोगो इंसर्ट करने के लिए हम चल जाते हैं यहाँ पे क्लिप आर्ट में। तो क्लिप आर्ट आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में, ठीक है, और यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन आपको क्लिप आर्ट का। अब इस क्लिप आर्ट के ऑप्शन से हम लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लोगो आपके कंप्यूटर में है या आपका अपना लोगो है तो आप यहाँ पे पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करके वो लोगो इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए क्लिप आर्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर और क्लिक कर लेता हूँ गो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे जितने कंप्यूटर रिलेटेड इमेजेस हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे।
तो इनमें से मैं यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी लोगो के लिए। तो ये वाली इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये वाली इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे ये वाली इमेज हम मूव नहीं कर पा रहे, मतलब हम यहाँ पे रखना चाहते हैं इमेज लेकिन हम इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो अभी हम मूव नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग पे जाना है और इसको अगेन अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में आपने कर देना है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, और इसको मूव कर लेना है इस बार यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे भी आप चाहते हैं। तो हम इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रख लिया है और जो हमारा GL कंप्यूटर सेंटर जो हमारे कॉलेज का नाम है इस पर क्लिक करके हम एरो की से, मतलब जो डाउनवर्ड एरो की है इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे थोड़ा नीचे की तरफ ताकि ये हमारे पेज के बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग में आ जाए। अब हम नीचे लिखना है हमारा टेक्स्ट, मतलब सेशन। तो सेशन लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों वो होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स भी हम ऐसे ही इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आपने जाना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का, आपने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और हमने इसको थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया, मतलब जब हम यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे आपके कर्सर में यहाँ पे चार एरोस बनी आ जाएंगे। तो इसको क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो आपका टेक्स्ट बॉक्स नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स के बीच में क्लिक करके ये वाला टेक्स्ट आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेशन, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दूँ, ठीक है, सेशन, ठीक है, और उसके बाद कॉलन लगा के हम लिख लेते हैं 2022, ठीक है, 23। तो यहाँ पे हमने सेशन लिख लिया और इसके बाद हम इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। तो होम टैब में जाते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से सेंटर अलाइन, ठीक है, या आप कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर कलर्स वगैरह देने हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो उससे पहले करने से पहले हम यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट लिखा है इसका फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल सेट कर लेना है। हमने यहाँ पे मोनोटाइप ये वाला फॉन्ट रख लिया है, ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट साइज़ भी हम यहाँ पे रख लेते हैं लेट से 14 और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं बोल्ड। और इसके बाद हम क्या करते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जाते हैं फॉर्मेट टैब में और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का जो यहाँ पे स्टाइल है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स है, यहाँ से जो स्टाइल आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें ये वाला स्टाइल चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये वाला स्टाइल इस टेक्स्ट बॉक्स में अप्लाई हो गया है। वैसे अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो मतलब अलग अलग स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो सा स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसा आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वैसे उसके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपने इतना जो आपका फ्रंट पेज है वो आपने कैसे बनाना है। अब इसके नीचे जो हमारा सेशन लिखा है इसके नीचे हमने लिखना है अपना प्रोजेक्ट का टाइटल। तो प्रोजेक्ट का टाइटल लिखने के लिए अगेन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपना टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स अगेन हम यहाँ पे चल जाते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करते हैं और अगेन यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है। और इस बार हम टेक्स्ट बॉक्स को नीचे ले आते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ सेट कर लेते हैं, मतलब इस पेज के अकॉर्डिंगली हम इसकी टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ सेट कर लेते हैं इन डॉट्स की मदद से, ठीक है। जैसे कि आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, इनको क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इसके बाद हम इस टेक्स्ट बॉक्स के बीच में क्लिक करके ये वाला टेक्स्ट जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको डिलीट कर देना है और अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल लिख लेना है। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर अलाइन। तो होम टैब में जाके हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर अलाइन, ठीक है, या आप कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो ये आपका सेंटर अलाइन हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना प्रोजेक्ट का टाइटल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके, नीचे लिख लेते हैं ऑन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना टाइटल लिख लिया है। टाइटल लिखने के बाद हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसका साइज़। तो हमने इतने पूरा टेक्स्ट अपना सेलेक्ट कर लिया और इसका साइज़ हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, लेट से हम यहाँ पे रख लेते हैं 28, ठीक है। इसका हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज करना चाहे वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं कॉपर ब्लैक और उसके बाद अगेन हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसका फॉन्ट कलर भी हम यहाँ पे लेट से इसको कर लेते हैं यहाँ पे रेड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है रेड। तो आपका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे
हमने सेट कर लिया है, और साथ ही में फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर भी यहाँ पे हमने सेट कर लिया है अपने टेक्स्ट का। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसके आउटलाइन कलर भी आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, ऊपर जाने फॉर्मेट टैब में, और यहाँ से जो भी आपको आउटलाइन कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फिलहाल जो आउटलाइन कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वो ये वाला आउटलाइन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो ये वाला जो आउटलाइन कलर है हमारे जो डॉक्यूमेंट के साथ मैच करे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, डाउनवर्ड एरो से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, और अगेन ये सेशन वाला टेक्स्ट बॉक्स को भी मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारे पेज में ये थोड़ा प्रॉपर आना शुरू हो जाए। अब आता है नीचे की जो हमारा सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय है, मतलब जैसे कि जो हमने पहले पेज बनाया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सबमिटेड टू है और सबमिटेड बाय है, तो ये हमने लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम अगेन यूज़ करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में मैं ज़्यादातर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको टेक्स्ट बॉक्स को पता लगे कि आपने यूज़ कैसे करना है और अपने डॉक्यूमेंट में इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए अगेन हम यहाँ पे चल जाते हैं इंसर्ट टैब में, ठीक है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम चल जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, जहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, सबमिटेड टू सबमिटेड बाय का, तो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबमिटेड टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबमिटेड टू लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लिखते हैं, उसके बाद आपके गाइड या आपके क्लास टीचर का नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने गाइड नेम लिख दिया, या ठीक है गाइड या क्लास टीचर नेम यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेजिग्नेशन, ठीक है, क्या डेजिग्नेशन है आपके गाइड या टीचर की, ठीक है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे भी देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं शॉर्टकट तरीका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है वो प्लस साइन में यहाँ पे आपको बना नजर आ जाएगा। तो आपने क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, तो यही वाला टेक्स्ट बॉक्स आपकी दूसरी साइड भी यहाँ पे कॉपी हो गया। तो देख लीजिए बहुत ईजिली यहाँ पे कॉपी हो गया। तो आपने क्या करना है, सिंपली सबमिटेड बाय लिख लेना है यहाँ पे टू काट के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, ठीक है, और यहाँ पे बाय लिखने के बाद नीचे आपने अपना नाम लिख देना है, मतलब जो भी स्टूडेंट सबमिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, नेम, ठीक है, यहाँ पर नीचे रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है, रोल नंबर, और नीचे आ जाएगी क्लास, ठीक है, क्लास या आपका कोर्स नेम, ठीक है, जो भी आपका है। तो इस ढंग से आप अपना यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तैयार कर सकते हैं दो। अब अगर आपको यहाँ पे देखिए अभी आउटलाइन चाहिए, तो आउटलाइन आप रहन भी दे सकते हैं, और अगर आपने आउटलाइन या अपने टेक्स्ट बॉक्स की हटानी है तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर जाना है फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पर, और इसके बाद जो आपका लाइन कलर है यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कर देना है यहाँ पे वाइट, और प्रेस कर लेना ओके। तो आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पे लाइन हट जाएगी और आपका सिंपल टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसी ढंग से आप इस पर भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पे जाके यहाँ से ये वाला लाइन कलर यहाँ पे इसको कर सकते हैं वाइट और प्रेस कर सकते हैं ओके। तो आपका देखिए टेक्स्ट बॉक्स ही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसका फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे रख लेते हैं ये वाला, ठीक है, और साथ ही में हम यहाँ पे सबमिटेड बाय में भी इसका फॉन्ट स्टाइल हम सेम ये वाला रख लेते हैं। वैसे जो भी आपने फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज आपने सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे काफ़ी हद तक आपका पूरा प्रोजेक्ट पेज तैयार हो गया, मतलब फ्रंट पेज जिसको आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगा सकते हैं। अगर आपने देखिए अब पेज का कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आप वो भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए पेज लेआउट का ऑप्शन होता है, ठीक है, पेज लेआउट का टैब, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको पेज कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे पेज कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने कलर करना है अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में या फ्रंट पेज में, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं अगर मैंने ये वाला कलर करना है, ठीक है, लेट्स से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पूरे पेज का कलर यही वाला हो गया है। और आप चाहते हैं कि जो ये आपके टेक्स्ट बॉक्स लिखे हैं इनका कलर भी आपका सेम कलर ये वाला मैच हो जाए, तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे फॉर्मेट टैब में, और यहाँ पे देखिए शेप फिल का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और आपने सेम कलर सेलेक्ट कर लेना है जो आपने पेज बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट किया था, तो आपके टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। वैसे हम इस पर भी क्लिक करके इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वैसे मतलब जो आप सेटिंग चाहते हैं वो आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स का कलर देखिए यहाँ पे चेंज किया, लेकिन यहाँ पे लाइन का कलर देखिए अभी भी वाइट आ रहा है, तो वाइट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, और जो आपका लाइन कलर है
आपने सेम लाइन कलर वही वाला कलर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो प्रेस कर लेना ओके, तो आप देखिए लाइन कलर भी आपका चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं आप इस ढंग से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फ्रंट पेज आप बना सकते हैं, और जो भी आपने इसमें अमेंडमेंट करनी है, जो भी चेंजेस करनी है, डिजाइनिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लिखा है इसमें शेडिंग आ जाए, तो अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे शेडो इफेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि शेडो यहाँ पे आ जाए, मतलब इस ढंग से टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ जाए कि पीछे शेडिंग आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे लिखा अपना इंस्टीट्यूट का नाम, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके शेडिंग के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले। तो ये वाले शेडिंग के इफेक्ट्स आप डाल के अपने फ्रंट पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो रही होगी इन्फॉर्मेटिव, और आपको फ्रंट पेज बनाना आ गया हो और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे एमएस वर्ड के। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।